कैसे कह रहे हैं? एटीएस में हमारे उच्च अधिकारियों को ये सूचना मिली थी कि मेडिकल से संबंधित जो एग्जाम्स उनसे वो होने वाले थे आज 7 तारीख, तो उसके लगभग 10-15 दिन और उससे पहले से भी ये सूचना थी कि इससे जुड़ा हुआ जो माफिया है वो इसके एग्जाम्स के पेपर आउट करता है और उन पेपर्स को भेजता है और मेडिकल में सिलेक्शन करवाने का ठेका लेता है। इस सूचना के आधार पे हमने आसूचनाएँ संकलित की और संकलन की हमारी जो कार्रवाई थी उसमें हमने ह्यूमन सर्विलेंस भी रखा और उसके अलावा हमारे जो दूसरे साधन हैं उनसे भी हमने निगरानी रखी और उस निगरानी के दौरान ये आया कि जयपुर के अंदर कुछ लोग थे जो कि माफिया से मिले हुए थे और इस तरह की उनकी वार्ताएं उनसे होती थी और दूसरे दिल्ली में भी कुछ लोग बैठे थे जो एक फर्जी तरीके से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी कराते हैं। इसके अलावा एडमिशन के अलावा पेपर आउट करवाने का विभिन्न परीक्षाओं में पेपर आउट करवाते हैं, पेपर भेजते हैं और उसके बाद में उसके बदले में काफ़ी बड़े धनराशि लेते हैं। 5 लोगों को डिटेन किया। इसके अलावा अन्य कुछ लोग हैं उनकी भी हमारे पास सूचनाएं थी तो उनकी जांच कर रहे हैं और जो तथ्य आएगी उनके आधार पर उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन है, क्या नाम है आरोपियों के और किस तरीके से वो काम कर रहे हैं? हमारे पास जो डिटेन किए हैं भूपेंद्र शर्मा है जो कि पशुपालन निदेशालय के अंदर कंपाउंडर है। वो यहाँ पे जो विक्रम सिन्हा जो कि गणपति प्लाजा में बैठ के अपना एक ऑफिस चलाते हैं और वो इसी तरह की मेडिकल में और अन्य परीक्षाओं में भर्ती करवाने का काम करते हैं। इसके अलावा विक्रम सिन्हा का ही एक भाई विकास सिन्हा है जो भी उसका सहयोगी है, तो इन 3 लोगों को हमने यहाँ पे डिटेन किया है। इसके अलावा 2 लोग हमारी जो टीम दिल्ली में लगी हुई थी वहाँ पे भी 2 लोगों को डिटेन किया है और इसके अलावा कुछ और लोग थे जो इधर उधर हो गए, तो उनके बारे में जो तथ्य आएंगे आगे जानकारी मिलेगी उसके आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।